घाघरा प्रखंड स्थित हाई स्कूल मैदान में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके पूर्व चांदनी चौक स्थित शहीद देवनारायण भगत के प्रतिमान में माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। किसान गोष्ठी में बतौर मुख्य रूप से उपस्थित मांडर विधायक बंधु तिर्की ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन से सरकार चल रही है। सरकार के द्वारा लगातार किसान के हित के लिए कई फैसले लिए जा रहे हैं। हमने सरकार बनने के पूर्व ही वादा किया था कि 50,000 तक का किसानों का लोन को माफ करेंगे। हमारा सरकार बनते ही हम लोगों ने लोन माफ करने का काम किया है। चूंकि हम इन जनता के सेवक लगे, जनता हमरे के, जनता के बदौलत हमरे विधायक एमपी बने रहे, जनता के बीच में जाना हमरे के बहुत जरूरी है और किसान के ई बात के बताना है। अगर किसान के हमरे नहीं बता तो सरकार के द्वारा जे योजना जे पास होगा वो धरातल में नहीं उतरी। इसलिए हम सब मन के कहे चाहेगा कि हमरे के हम वीडियो को हम बोल के जाएगा और कोई भी किसान जब तक पीएमबीसी का मीटिंग नहीं होगा ये जो नोटिस दे रहा है इसको हम लोग नहीं मानेंगे। इस बात को पीएमबीसी का मीटिंग बुलाओ, ब्लॉक लेवल बैंकर कमेटी का बैठक और जो किसान मैंने लोन लिया है तोहरे जो ऋण ले है उकर बारे में ब्लॉक के बताए हुई कि केकर केकर तोर माफ होलक नहीं होलक और अगर नहीं होलक तो काहे नहीं होलक है ये बात के ब्लॉक में बैठ करके हम यहाँ पर हमरे के वरिष्ठ पहले के पूर्व अध्यक्ष सुकुमार जी है लगाइए तोरे कैंप लगा हुआ है थी और बैठ करके सब बैंक का मैनेजर लोग रहेगा पीएलबीसी में हम बोल करके जा रहे हैं। बैंक सत्र चलने वाला है, हम इस बात को विधानसभा में रखेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता लोग से मेरा आग्रह है, नौजवान लोग हैं ब्लॉक में आप कैंप लगाइए, मैनेजर रहेगा पीएलबीसी मीटिंग और एक एक जो लोन लिया है वो लोगों का बात को सुने कि एनपीए में खाता क्यों हुआ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।